एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच धनिया, एक बड़ा प्याज, चार पांच लाल साबुत मिर्च और दो फाँक मैंने साबुत जो अमचूर होता है उसकी ले ली है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और ये मैंने रफली प्याज काटी क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। और फिर इसमें डाल देती हूँ मैं बाकी के मसाले। बाकी के मसाले में हम कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्दी डालनी है। 2 पिंच मैंने हल्दी डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं मुझे सॉल्ट डाल देना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल देती हूँ और इसको मैं दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डालना कंपलसरी नहीं है, मेरा जार ये जो है ग्राइंडिंग जार ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और वरना आप ऐसे भी पीस सकते हैं अगर आपके जार में ऐसे ही पीस जाता है तो। और फिर इसको मैं मसाले को पीस लेती हूँ। मसाला हमें दरदरा रखना है, मैं बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने टिंडे धोकर छील कर ले लिए हैं, ये 500 ग्राम टिंडे हैं। और इसमें हम ऐसे कट लगाएंगे दोनों तरफ से, इस तरह से कट लगाएंगे तो ये चार फाँक में डिवाइड हो जाएगा। और हमें इसे आधा नहीं करना है बिल्कुल, मतलब कि अलग अलग नहीं करना है। जैसे हम अमरूद काटते हैं ना, नमक लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से मैं सारे टिंडे कर लेती हूँ और यहाँ से छील कर काट कर। और टिंडे ना, हाँ, ताज़ी टिंडे ही लेने हैं, रखे हुए टिंडे नहीं लेने हैं, यानी कि काफ़ी दिन पुराने हमें टिंडे नहीं लेने हैं। जो ताज़ी ताज़ी मार्केट में आते हैं वही टिंडे यूज करने हैं आपको। और आपको टिंडे मीडियम साइज़ के लेने हैं, बहुत छोटे ही या बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेने हैं, मीडियम साइज़ के टिंडे लेने हैं। तो इस तरीके से काटने के बाद मैं इसमें सारा मसाला भर दूँगी जो मैंने टिंडे काट लिए हैं अच्छे से। इनके अंदर बीच बीच में हम मसाला भर देते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी लगती है, आप कभी बना ट्राई करिए। भरमा टिंडे बहुत अच्छी रेसिपी है, सभी को पसंद आती है। घर में जो लोग टिंडे नहीं खाते हैं उनको भी ये टिंडे की सब्ज़ी काफ़ी पसंद आती है। तो इस तरीके से वन बाय वन हम इसमें ऐसे मसाला फिल कर लेते हैं अच्छे से। और देखिए यहाँ पे सारे टिंडे तैयार हो गए हैं और कुछ मसाला बच भी गया है तो ये मसाला भी हम यूज करेंगे। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ चलते हैं। और कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर और अभी हाई फ्लेम कर रखी है। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। तो इस सब्ज़ी को या फिर कोई भी हम भरवा सब्ज़ी बनाते हैं उसके लिए मस्टर्ड ऑयल ही बेस्ट रहता है। तो इसमें मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों, जो काली वाली सरसों होती है वो सरसों डाल दूँगी। तो बिल्कुल इस सब्ज़ी का अचारी फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने सरसों डाल दी है और बस इसे क्रैक होने देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये जो मसाला है, मैंने फ्लेम लो कर दी है। आप सारी सब्ज़ी लो फ्लेम पर ही पकेगी तो ये मसाला डालकर अच्छे से भून लेंगे। पहले इसको तेल में इस तरीके से मिक्स करके अच्छे से भूनी है। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जो इसमें पानी है पानी के हल्के हल्के छींटे ऊपर आ सकते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसे अच्छे से क्या कहते हैं, भून लेते हैं इसको। और फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। देखिए मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है और मैं यहाँ पर डालना भूल गई हूँ, आपको पहले ही डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप मार्केट का भी ले सकते हैं या होममेड भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट लूँगी, एक चम्मच मैंने ले लिया है। और बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे, लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसे हमें जब तक भूनना है तो 2-3 मिनट तक हम इसे अच्छे से फिर से भून लेते हैं मसाले को एक बार इस तरीके से। और बीच बीच में आप ऐसे मसाला चलाते रहें। और देखिए मसाले ने ऑलमोस्ट तेल अलग कर दिया है, जो उसमें पानी था वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम जो टिंडे हैं टिंडे इसमें छोड़ देते हैं। तो बस ये हो चुका है मसाला, तो चलिए अब टिंडे डाल देते हैं। एक एक करके हम सारे टिंडे डाल देंगे इसमें। और अभी ये हमें फ्लेम लो ही रखनी है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि हमारे टिंडे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो पर यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा ही पानी डालना है। करीब मैं आधा ग्लास से भी कम पानी डाल रही हूँ। और इन्हें सिम गैस पर हम कुक करने रख देते हैं कवर करके अच्छे से। और फिर इसे 5 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। तो पानी ख़त्म हो गया है लेकिन टिंडे अभी अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। तो अभी इन्हें क्या करेंगे, एक साइड से हम पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो इसे ही बहुत हल्के हाथों से आपको पलटना है वरना ये टिंडे टूट जाएंगे।
और सब्जी बिल्कुल मतलब भरता टाइप बन जाएगी। तो आप आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसे हल्के हाथों से आपको पलटने हैं सारे टिंडे। और उसके बाद आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप इसमें पानी यूज करिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें आधे ग्लास के करीब पानी और डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी ले लेती हूँ और आधा ग्लास मैं इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ। और फिर इसे कवर करके 5-6 मिनट तक, या फिर जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें ये सब्ज़ी लो फ्लेम पर ही पकानी है। तो बस इसको अब मैं कवर कर देती हूँ, सबको अलर्ट पलट देती हूँ। और बीच बीच में आपको एक दो बार चेक कर लेना है, पलटते रहना है आपको ये टिंडे। तो बस यहाँ पर अब हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाद मैंने फिर से चेक करा है। तो आपको ऐसे चेक करते रहना है, वरना मसाला बाद में बीच में जल भी सकता है पानी ख़त्म होने के बाद। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी डन हो चुकी है, अब मैंने इसे कवर कर दिया और फ्लेम ऑफ कर दिया। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।